नमस्कार दोस्तों, बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में ऐसा यूनिक बिजनेस लेकर के आया हूँ ना, जिसे आप गांव, शहर, कस्बों कहीं पर भी रह करके जो है आप जो है अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं। ये जो बिजनेस है लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस है दोस्तों। ये जो बिजनेस है धातु से मूर्ति बनाने की बिजनेस है। इसमें आप तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी हर प्रकार की धातुओं को पिघला करके जो है आप मूर्ति बना सकते हैं। और न ही आप मूर्ति बना सकते हैं बल्कि आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो कि मोल्ड के साइज में आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी विशेष प्रकार के दुकान सेटअप करने की भी आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके साथ अटैच करके भी चला सकते हैं। और ये एक यूनिक बिजनेस है और सर्विस बिजनेस है। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल का झंझट नहीं, कस्टमर खुद ही रॉ मटेरियल लेकर के आएगा, उसी में आपको बनाना है। तो दोस्तों ये जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, यदि आप कंटिन्यू 5 से 6 घंटा भी अगर मूर्ति बनाते हैं तो कम से कम 40 से 50 मूर्तियां आप रेडी कर सकते हैं। आप स्वयं देखे होंगे दोस्तों कि आपने यदि स्वयं मूर्ति बनवाए होंगे तो कितना प्राइस दिए होंगे। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस में लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो में आपको धातु से मूर्ति बनाने का लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और साथ ही इस बिजनेस से जुड़े टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट को भी आपको बताऊंगा। और लेकिन दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं इसी प्रकार का यूनिक बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, सरकारी योजना लेकर आते रहता हूं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि धातु से मूर्ति किस प्रकार से बनाई जाती है, पूरा प्रोसेस लाइव देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी, आपका मोल्डिंग बॉक्स है, धातु को काटने वाले औजार हैं, धातु को गर्म करने वाले ब्लोअर हैं। आप कोई भी पद्धति से गर्म कर सकते हैं, चाहे गैस का सहारा लें चाहे चूल्हा का सहारा लें। लेकिन ज्यादातर ऐसे कार्य में आपने देखा होगा कि ये कार्य खुले जगहों में किए जाते हैं और उसमें कोयले का और ब्लोअर का ज्यादा उपयोग किया जाता है ना। और काटने के लिए जो है दोस्तों ये कैंची है लोहे का, उसको यूज किया जाता है, और हैमर। और इसमें जो मिट्टी का यूज हो रहा है दोस्तों वो मोल्डिंग मिट्टी है, ये सामान्य मिट्टी नहीं है, ये आपको हार्डवेयर से मिल जाएंगी। इस मिट्टी की खासियत ये है, ना तो ये ज्यादा सूखा रहता है ना गीला, ये हल्का नमी मॉइस्चर इसमें एक ऐसा परसेंटेज में रहता है कि एकदम सेट हो जाता है, बहुत देर तक आसानी से सेट हो जाता है। तो ये मिट्टी जो है विशेष मिट्टी है, यदि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो एक बालू का भी, आप समुद्री बालू का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार से धातु की मूर्तियां बनती हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि कस्टमर आपके पास जो बर्तन लेकर के आएंगे जिसमें आपको मूर्ति बनाना है, उसको आप छोटे छोटे भागों में काट लीजिए। तो उसको दोस्तों छोटे छोटे भाग में काटना है, और जैसे ज्यादा बड़ा भाग है तो हैमर से आप उसको पीट करके छोटा कर लेंगे। उसके बाद आपको जिस बर्तन में आपको उसको पिघलाना है उसमें डाल देंगे, ताकि ये जो है आसानी से पिघल सके। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो स्टेप है वो सांचा को रेडी करने का है। आप सांचा में मिट्टी को बराबर भरेंगे अच्छे से, और ध्यान रखेंगे कि कहीं कंकड़ वगैरह उसमें ना रहे। उसके बाद जिस भी मूर्ति की डिजाइन आपको बनाना है, जिस भी मूर्ति को बनाना है, उस मूर्ति को इस सांचे में डालेंगे और उस सांचा को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करेंगे, मिट्टी को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करेंगे। बार बार आप उसे चेक करेंगे कि सही ढंग से व्यवस्थित हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप जो भी मूर्ति बना रहे हैं, यदि उसमें सांचा व्यवस्थित करने में किसी प्रकार की कमी रहा तो मूर्ति में दिखाई देगा, इसलिए दोस्तों इसको बहुत सावधानी से किया जाता है। और जैसे कि आप सैंपल मूर्ति को डाल करके सांचा में मिट्टी को व्यवस्थित कर लिए, उसके बाद ऊपर से आपको एक छेद करना है। इस छेद से ही जो है दोस्तों मोल्डिंग जो धातु है, मेटल्स है, वो पिघल करके उस सैंपल मूर्ति के सांचा में ढल जाएगा। तो दोस्तों ये जो सैंपल मूर्ति है इसको जो है आकार बनाने के लिए रखा जाता है, बाकी उसको निकाल दिया जाता है। तो जैसा कि हमारा सांचा पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए है ना, हम उसको जो छेद किए उसको भी चेक कर लेंगे कि सही ढंग से हुआ है कि नहीं। सारा चीज व्यवस्थित हो जाने के बाद तीसरा जो स्टेप है दोस्तों, जो धातु आप काट करके रखे हुए हैं उसको पिघला देना है। उसमें जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट पूरा धातु पानी की तरह पिघल जाता है।
कुछ धातु ज्यादा हार्ड होती है जैसे तांबा वगैरह है, वो थोड़ी ज्यादा देर में पिघलेगी, और एल्यूमिनियम तो बहुत जल्दी पिघल जाती है। जैसे कि आपका धातु पिघल जाए तो चेक कर लेना कि उसमें भी कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए, कोई ठोस वस्तु हो तो उसको निकाल देना चाहिए। आपका जो मेल्टिंग धातु है वो जैसे पिघल गया अच्छी तरह से, उसके बाद ये जो छेद दिख रहा है दोस्तों मोल्ड के ऊपर, उसमें आपको क्या है इसको डाल देना है। जैसे आप इसको डालेंगे उसके बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा। और कुछ देर बाद आप देखेंगे, जैसे कि आप ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। यहाँ पर सांचा को निकाल करके दिखा रहा है आपको, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इसी प्रकार के कोई भी सैंपल लेकर के कोई भी डिजाइन की मूर्तियां बना सकते हैं, किसी भी धातु की मूर्ति बना सकते हैं, और साथ ही इस बॉक्स में आने वाली अन्य डिजाइनें भी आप बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप बॉक्स की साइज को बढ़ाएंगे तो आप इसी प्रकार का आप जो है मोल्डिंग बॉक्स के साइज को बढ़ा करके बड़ी साइज की मूर्तियां, बड़ी साइज की जो डिजाइने हैं आप आसानी से रेडी कर सकते हैं। दोस्तों यदि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें जो उपयोग होने वाले औजार हैं जैसे कि कैंची है, हेमर है, और जो मोल्डिंग बॉक्स है और मोल्डिंग मिट्टी हो गया और ब्लोअर पंखे हो गए, ये सब टोटल 2 से 2500 रुपए के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट में पूरा सामान रेडी हो जाएगा। और यदि इस बिजनेस में हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो इस मूर्ति को जैसे बनाने में जो चार्ज लिया जा रहा है इसमें 150 से 200 रुपए, और जैसे मूर्ति का साइज बड़ा होगा उस हिसाब से इसका रेट जो है होता है। तो जैसे कि दोस्तों प्रतिदिन यदि 30 मूर्तियां भी बनती हैं तो भी आप सोच लीजिए कि कम से कम कितना प्रॉफिट होगा। एक मूर्ति का अगर आप 100 रुपए भी लेते हैं तो 3000 रुपए श्योर है, और ज्यादा लेते हैं 150-200 तो आपको प्रॉफिट और ज्यादा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आज का जो बिजनेस है ना, धातु से मूर्ति बनाने के बिजनेस के बारे में आपको जो जानकारी दिया है वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार का यूनिक बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, सरकारी योजना लेकर के आते रहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।